अवैध संबंध के चलते गई राजेंद्र की जान, साले और उनके दोस्त में मिलकर उतारा मौत के घाट। मामला हुआ पर्दाफाश। जनपद चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनाई के चक्कर में जीजा की हत्या उसके साले और दोस्त ने मिलकर कर दी। दिसंबर 18 को चकाई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरपुर बियर चंद्र प्रभा नदी के समीप सेमरा जमलापुर जिला मिर्जापुर निवासी राजेंद्र का छत विछत शव बरामद हुआ था। जनपद पुलिस लगातार मामले का खुलासा करने के लिए प्रयत्नशील रही। इसी का परिणाम कि सोमवार को चकाई कोतवाली परिसर के मामले का खुलासा हुआ और बेहद चौंकने वाला रहा। ये राजेंद्र नाम के व्यक्ति जमालपुर मिर्जापुर का रहने वाला था। 18 तारीख को सुबह ये मुजफ्फरपुर के पास कर्मनाशा नदी चंद्रप्रभा नदी में इसका शव तैरता हुआ मिला था। ये अपनी ससुराल आया था, जहां इसके सरहद से अवैध संबंध थे। बलवंत जो गिरफ्तार है, इसके निशाते हुए मोटरसाइकिल बरामद हो गई। इसका मेन अभियुक्त जो राजकुमार है वो फरार है। सीओ चकिया के नेतृत्व में टीमें गठित हैं, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।